नमस्कार, मैं हूँ अश्विनी वानखेड़े और आप देख रहे हैं कृषि जागरण। दरअसल बिहार के समस्तीपुर की डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने मशरूम से गुलाब जामुन और पनीर बनाने की नई विधि विकसित की है, और इसी विधि के बारे में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के एडवांस सेंटर ऑफ मशरूम रिसर्चर और प्रोफेसर डॉक्टर दयाराम जी। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कृषि जागरण के वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने और आपकी जो टीम ने ये नई विधि तैयार की है कि मशरूम से गुलाब जामुन और पनीर बनाए जा सकते हैं। हमने ये तो सुना था कि मशरूम से अचार और पापड़ और काफी सारी चीजें बनाए, खोआ वगैरह, ये सब चीजें बनाई जाती हैं, लेकिन गुलाब जामुन और पनीर बनाने की जो नई विधि विकसित की है, इसका ख्याल आपके जहन में कब आया? देखे, एक्चुअली क्या है कि बिहार जो है इसे माना जाता था, लोग मानते थे कि बहुत पिछड़ा है, गरीब है, बहुत सारी चीजें इसके परिपेक्ष में है। हम लोगों ने मशरूम उत्पादन को इस उद्देश्य से शुरू किया कि इस पे रिसर्च किया जाए और इसको हम थोड़ा सा इसे अपॉर्चुनिटी देखें। तो मशरूम का जो मतलब होता है, लोगों के जेहन में भरा है कि बटन मशरूम है, गोला मशरूम है, या थोड़ा देखने में अच्छा है, दिल्ली में चलता, बम्बई में, लेकिन यहाँ बिहार में हम लोगों ने ओइस्टर मशरूम, जिसे प्लूरेटस स्पेसीज के नाम से जाना जाता है, इसमें 12-13 वैरायटी है, जैसे प्लूरेटस सेजर काजू है, प्लूरेटस फ्लोरिडा है, जमोर है, कार्न कोकी है, लेकिन नॉर्मल कोर्स में प्लूरेटस सेजर काजू और फ्लोरिडा ये काफी प्रचलित है। इसको देसी भाषा में हिंदी में कहते हैं ढींगरी मशरूम। इसका और देहात में भी तो इसका उत्पादन तकनीक बहुत आसान है, कम समय की फसल है, इस खेती बिना खेत का है, तो बहुत कम समय में, मतलब 25 से 30 दिन में इसकी एक फसल आ जाती है। इसमें बहुत खर्चा कम आता है, जैसे माना कि 10 किलो अगर भूसा, कोई भी भूसा ले लीजिए, बिहार में देखिए धान होता, गेहूं होता, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो एग्रो वेस्ट का जो है प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो जाएगा। जो कोई भी भूसा जो कि आज के परिपेक्ष में लोग जलाते हैं, लेकिन हम लोगों ने जब काम शुरू किया था तो ये कॉन्सेप्ट नहीं था जलाने का, मतलब पशु को चारा देना वेस्टेज जाता था, तो हम लोगों ने उसको किया क्या कि तुरंत यूज करना शुरू किया, और महिलाओं का बढ़ के आगे आना काफी हम लोगों के लिए फायदेमंद रहा, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो उन दिनों जब हम लोगों ने काम शुरू किया तो मशरूम को प्रचारित किया, तो ओइस्टर मशरूम अगर 1 किलो बीज रहेगा और 10 किलो भूसा, इससे काम का शुरू हो जाता है गरीब परिवार के लिए। अब 5 से 6 किलो मशरूम उसको एक, मतलब 25 से 30 दिन में निकलता है। तो एक तरह से आप सोचें कि जब ये काम शुरू था 50-60 रुपए में मशरूम बिकता था, कोई पूछता नहीं था, ये ओइस्टर नहीं चलता, ये मशरूम नहीं, गोबर छत्ता, इस तरह की थी। धीरे धीरे उसके हम लोगों ने शुरुआत पकौड़ा से किया। पहला जो है उसको देहात में जाके महिलाओं के बीच उसका पकौड़ा बनाया, और पकौड़ा बहुत ही स्वादिष्ट होता है ओइस्टर का। तो ये गांव में और ग्रामीण इलाके में ये जोर पकड़ लिया, लोग इसको करने लगे। तो धीरे धीरे चीजों को बात आगे बढ़ी, फिर हम लोगों ने बटन इंट्रोड्यूस किया, फिर हम लोगों ने मिल्की किया। लेकिन जब बटन इंट्रोड्यूस हुआ तो लोगों, चूंकि ये बटन जो है ना, देखिए इसमें दो चीजें हैं, हमारे बिहार का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, मिनिमम टेम्परेचर 10 डिग्री होता है, अधिकतम 38 होता है, इसी के बीच में। तो हम लोगों को गांव में गरीबों के लिए कौन सा चीज हम लोग दे सकते हैं, तो इसी के बीच की वैरायटी को हम लोगों ने यहाँ पर कुछ वैरायटी डेवलप किया, कुछ जो बाहर की वैरायटी थी उनको इंट्रोड्यूस किया। तो ओइस्टर का जो होता है वह है 20 डिग्री कम से कम, 30 डिग्री ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर होता है। तो इस तरह से यहाँ पर 6-7 फसल उसी उगाई जा सकती है। तो हमारे महिला लोग जब काम करते थे तो गर्मी आती तो कहती सर ये तो नहीं होगा, ठंडी है, नहीं होगा, तो क्या करें। तो उसके कमी को देखते हुए हम लोगों ने बटन मशरूम इंट्रोड्यूस किया। फिर क्या हुआ, गर्मी,
अब गर्मी ने ना ही बटन हो सकता ना ही, क्योंकि बटन मशरूम को कम से कम 15 डिग्री तापक्रम चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 25 डिग्री चाहिए। तो 25 डिग्री चाहिए जमाव के लिए, मतलब उसको बुवाई किया जाता है तो 20 से 25 दिन तक उसको 25 डिग्री चाहिए। लेकिन उसके बाद में तो ये आपका अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, तो उसकी खेती इसी के बीच में नेचुरल ढंग से होती है। अब गर्मी जो होता तो प्रचंड गर्मी पड़ती है तो यहाँ कुछ नहीं होता, तो उसके लिए हम लोगों ने राजेंद्र मशरूम दूधिया की वैरायटी निकाला, जो जो जब पसीना खूब आएगा तभी वो होता है। अब क्या हुआ कि जब ये सारी चीजें आई तो यहाँ कॉम्पिटेटिव बात हो गई, जो ओस्टर था, चूंकि यहाँ तीन तरह के ग्रोवर्स पैदा हो गए, एक बहुत बड़े हो गए तो उनको हमने अलग रखा, एक बड़े कहते हैं, बड़े बहुत बड़े का मतलब कि जो एक कुंटल या उससे अधिक उत्पादन करते हैं तो उनको हम लोग कहते हैं बहुत बड़े हैं, लेकिन जो एक कुंटल 50 किलो तक हो तो उनको बड़े कहते हैं। मीडियम हुआ कि लेकिन सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो नई तकनीक विकसित की है यूनिवर्सिटी ने कि मशरूम से पनीर और गुलाब जामुन बनाया जा सकता है, तो ये मैं उसी पे वो उसी पे पॉसिबल हुआ ना कि जैसे कहते हैं ना कि जब आवश्यकता ही आविष्कार की जननी, ये आपने सुना है, तो जब ये बातें हुई तो महिलाओं के सामने जो हमारे 1 किलो से 10 किलो से 15 किलो तक, यानी जो 1 किलो से 15 किलो तक के उत्पादक थे ये बहुत छोटे थे, इनकी मार्केटिंग की प्रॉब्लम आई। तो मार्केटिंग की जब प्रॉब्लम आई तो इसको हम लोगों ने क्या किया कि पहले प्रोडक्ट डेवलपमेंट में गए, हम लोग डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट बनाए। ये तो मशरूम का जो ये है आपका, ये तो लेटेस्ट वर्सन है। हम लोगों ने पहले उसको पाउडर बनाया, फिर अचार बनाया, फिर उसका बिस्किट बना दिया, एकदम आसान तरीका बिस्किट का है। माने कुल हम लोगों ने 50 प्रोडक्ट उसको बनाया धीरे धीरे, और ग्रामीण स्तर पे यूज हो रहा, जैसे महिलाएं हमारे हैं वो बनाती हैं। जी सर, प्रोसेस क्या है वैसे ये इसको, इससे मशरूम से पनीर बनाने का थोड़ा प्रोसेस आप बता? उसपे अब हम आ रहे हैं। तो जब ये सब बातें आ गई तो अब क्या हुआ कि लोग परिचित हो गए, कटलेट खाए, सब कुछ खाए, लेकिन स्टिल अब हमें थोड़ा सा हाई फाई जाना है, हमें उसको आगे बढ़ना है। और इसका तो अब क्या हुआ कि हम लोगों ने स्वीट्स, हमारे बिहार में स्वीट्स लोग खाते ही हैं, और इसके बाद पनीर का बहुत सारा ऑप्शन है, तो हम लोगों ने इसको अनुसंधान किया। इसमें जो है कि ओस्टर मशरूम को लेकर के उसको प्रोसेस करके, उसको साफ सफाई करके और बढ़िया सा उसको काट करके और उसे ग्राइंड करते हैं, ग्राइंड करके फिर हम लोग उसमें जो है उसको फिल्टर करते हैं, तो जो उसका सलरी निकल जाता है उसको हम लोग जो है बढ़िया सा ड्राई उसको टांग देते हैं, तो खूब वो गाढ़ा हो जाता है, मतलब गाढ़ा का मतलब तो उसका पानी जो है निचुड़ के चला जाता है। इसके बाद में वो हम लोग उसको गुलाब जामुन के लिए फिर उसमें जो खोवा है, इलायची है, शुगर है, ये और कुछ दो एक कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो उनको मिला करके पूरा रगड़ते हैं। आपने देखा होगा खोवा जैसे बनाते हैं तो उसको पूरा काट के डंडी से चलाते हैं, तो वो चला करके उसको हम लोग फिर गुलाब जामुन बना करके और उसे छान लेते हैं, और छान करके फिर हम लोग जो है उसे इसमें जो सीड़ा होता है उसमें डाल देते हैं। इसके बाद पनीर जो होता है तो पनीर को हम लोग जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे तरह के मार्केट में पनीर है, नन मिल्क या नन डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, तो इसको हम लोग करते क्या है कि इसको लेकर के ग्राइंड करते हैं, ग्राइंड करके इसको मतलब इसका एक एक्सट्रैक्टिंग प्रोसेस है, बहुत सारी डिटेल्स के बारे में मैं यहाँ नहीं बता सकूंगा और नहीं बताऊंगा क्योंकि मैटर कुछ है। तो उसको फिर हम लोग जो एक्सट्रैक्टिंग कर देते हैं, एक्सट्रैक्टिंग के बाद में उसे हम लोग टेम्परेचर पे ले जाते हैं और उसे फिर हम लोग उसको कोआगुलेंट, कई तरह के मार्केट में कोआगुलेंट हैं तो उसको हम लोग यूज करते हैं। इसके बाद में वो गाढ़ा हो जाता है, गाढ़ा होने के बाद में फिर वो उसमें कुछ चीजें मतलब हैं जो कि हम लोग का यूनिवर्सिटी का मसाले हैं। जी लेकिन सर एक बात मुझे आप बताइए कि मशरूम से सस्ता तो दूध होता है, तो फिर किसान या फिर जो लोग हैं वो मशरूम से ही क्यों पनीर बनाएंगे, दूध दूध उससे ज्यादा सस्ता है।
जी, दूध देखे सस्ता है ये बात बिल्कुल है, लेकिन जो हमारे किसान है, जो हमारी महिला है, वो अपने घर पैदा करती है। एक दूध को, एक लीटर दूध को पैदा करने के लिए या 5 लीटर आपको एक गाय की आवश्यक 50,000 रुपए आपको चाहिए। तो हमारे पास क्या है कि हमारे ग्रामीण महिला अफोर्ड नहीं कर सकती, और कितना वो खरीद के खाएंगे। 40 रुपए केजी 1 लीटर का दूध है, और 1 लीटर गाय में जो है 150 से 200 ग्राम आपको ये खोआ बनता है या पनीर बनता है, भैंस में ग्राम बनता है। तो वो डिपेंड करता है कितना परसेंट प्रोटीन है। तो ये एक चीप पड़ता है कि उनको कुछ खरीदना नहीं है, प्लस इनके हाथ में होता है इसकी मार्केटिंग करें वो तो बाद में करेंगे, लेकिन अपने होम मेड कंजम्पशन के लिए। और ये पौष्टिक होता है, इसमें बहुत सारी चीजें जो उस अन्य पनीर हैं उससे भिन्न होती हैं, किसी तरह की मिलावट नहीं है, और एक अपॉर्चुनिटी है, आने वाले समय में इसका फ्यूचर है। जी जी, तो सर जिस तरह आपने ये एक तकनीक इजाद की है, तो ये किसानों तक कब तक पहुंचेगी? ये सितंबर अक्टूबर तक किसानों तक ये पहुंच जाएगी, क्योंकि इस पे काम और भी चीजें हो रहा है, परफेक्शन हो रहा है, विश्वविद्यालय इसमें पूरी तरह से लगा हुआ है। क्योंकि इसमें 2-3 चीजें हैं कि ये सेल्फ लाइफ है, इसके बाद में ये अभी तो हम लोग इसको जो रख रहे हैं तो साइंटिफिक तरीका है, लेकिन जब गांव में पैदा करेंगे, किसान पैदा करेंगे, सभी लोग करेंगे, तो उसको रख रखाव थोड़ा आसान होना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी है, बहुत सारी इशू आते हैं, तो और उसका डी नेचर नहीं हो, तो ये अक्टूबर नवंबर तक ये हम लोग इसको किसानों के यहाँ डेमोंस्ट्रेशन में देंगे। okay. तो सर मतलब अक्टूबर नवंबर तक हमारे देश के किसान इस नई तकनीक से रूबरू हो पाएंगे। जी सर, अब मेरा अगला सवाल ये आपसे है कि आपने जो मतलब ये तकनीकी काफी अच्छी है, क्या इन फ्यूचर और भी आपका जो एग्रीकल्चर ये जो रिसर्च आप कर रहे हैं, तो इसके अलावा भी और आप रिसर्च किसानों के हित में करने की प्लान बना रहे हैं? एक्चुअली मशरूम जो विषय है ना, इसमें 2-3 चीजें मैं ये बताऊंगा किसानों को सब कुछ। यहाँ पहली बात, पहला सवाल लोग करते हैं, जैसे कोई भी प्रोडक्ट लेके आए, हमारे पास में मशरूम समोसा है, मशरूम नमकीन है, बिस्किट है, अब ये कहते हैं ये कहाँ बिकेगा। पहला सवाल क्यों मैं ये सोचता हूँ कि बिकेगा, वाई मतलब हम लोग क्यों सोचते हैं कि हमें इसे बेचना ही है। पहले तो ये न्यूट्रिशियस चीज है, आज अगर आप देखें तो मार्केट में आप जो भी चीज लेते हैं घर के अलावा कोई चीज शुद्ध नहीं होता। तो ये चीज है कि मशरूम के हम लोगों ने 50-50 प्रोडक्ट्स जो है हमने तैयार किया है, उसमें से कुछ ब्रांडेड है, जो 10-12-14 ब्रांडेड है। अब देखें कि ये हमने पनीर किया, अब गुलाब जामुन स्वीट्स हो गया, अब इसका हम लोग जैसे कोल्ड जैसे ड्रिंक का मतलब थोड़ा दूसरा और निकलता है, लेकिन हम लोग इसका पेय में लगे हुए हैं। अगला हम लोग का स्टेप है कि पेय, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 1 केजी मशरूम अगर आप वजन करते हैं तो उसमें अगर 90% पानी है, तो 1 केजी में 10 ग्राम छोड़ के 900 ग्राम हमको पानी मिल जाता है। उसके लिए हम लोग कि वो पानी लेके फिर हम उसको डिफरेंट, क्योंकि सारा न्यूट्रिएंट्स उसमें होता है, कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जो कि अन्य किसी खाद्य में नहीं पाए जाते। तो हम लोगों का रिसर्च जो है उस पर अनवरत है, फ्रेगमेंटेशन करके, जैसे इसके पाउडर है, पाउडर के हम लोगों ने जैसे सत्तू का पेय बनाया है, और इसी तरह से हम लोग नई चीजें बनाकर, जो कि ये हमारा कोई ये मैटर साइंटिफिक है, लेकिन हमारे गांव में जो महिलाएं हैं वो अपने घर बना ले। अब सेकंड एस्पेक्ट आता है एंटरप्रेन्योरशिप, अब यही है कि इसमें अगर कोई एंटरप्रेन्योर आता है गुलाब जामुन के लिए, समोसा के लिए, नमकीन के लिए, तो उसके लिए हम लोग तकनीकी को मतलब उसे हस्तांतरित कर सकते हैं, उस पे हमारे यूनिवर्सिटी उस पे तत्पर है। सर अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किसान जो है खेती तो कर लेते हैं, लेकिन वो अपनी फसलों की मार्केटिंग कैसे करें, बाजार में कैसे बेचें, यहाँ किसान के सामने दिक्कतें आ जाती हैं, परेशानियों को किसानों को सामना करना पड़ता है। आपकी यूनिवर्सिटी ने ये तकनीक इजाद की है कि मशरूम से पनीर बनाया जा सकता है, गुलाब जामुन बनाया जा सकता है, जो कि किसानों के लिए बेहद फायदेमंद भी है। किसान बना तो लेंगे, लेकिन इसकी मार्केटिंग कैसे करेंगे, वो बाजार में अपने प्रोडक्ट को कैसे बेच सकेंगे?
जी, ये बहुत ही अच्छा आपका सवाल है, क्योंकि कॉम्पिटेटिव मार्केट है और कई तरह के इशू आते हैं। अब देखिए कि मार्केटिंग का अपना एक सिस्टम है, इसमें अभी हम लोग कर रहे हैं और इसमें हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, सरकार भी इसमें आगे आ रही है कि प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग पैकेजिंग और मार्केटिंग, ये तीनों चीज एक साथ लिंक है। अब जैसे आप देखें कि आप जिस भी जगह रहे, अगर आपको बीकाजी, हल्दीराम, दे आर ए ब्रांड, आप बताइए कि उनके प्रोडक्ट को कौन नहीं खरीद रहा, टाटा। तो हम लोग उस तरह से अपने यूनिवर्सिटी के माध्यम से हम लोग इसका एक ब्रांड तैयार करेंगे और इसमें एफपीओ वगैरह कई चीजें हैं जिसके माध्यम से इसे हम लोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भेजने का हम लोग प्रयास करेंगे। बट ये हम लोगों का प्रिलिमिनरी स्टेज है, क्योंकि इसमें सरकार का भी सहयोग चाहिए, किसानों का सहयोग चाहिए और इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हम लोग लगवाएंगे। अभी हमारे यूनिवर्सिटी में ये बिस्किट और समोसा बनाने के लिए एमओयू हुआ है, तो हमारे यहाँ अभी चार ये युवा, इनको कहें नौजवान लोग, उसमें लगे हुए हैं। तो उन्हीं के सबके सिस्टम से ये मार्केटिंग होगी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे वो उसकी मार्केटिंग करेंगे। सर, जैसे कि मशरूम की कई सारी वैरायटीज होती हैं और हमारे देश में अब कई तरह की बीमारियां भी आने लगी हैं, जिससे कि किसानों में इम्यूनिटी की कमी हो जाती है और कई तरह की बीमारियों का लोगों को सामना करना पड़ता है। तो क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा कौन सा मशरूम है जो औषधीय रूप के उसमें औषधीय गुण उसमें हो या औषधीय रूप में उसे जाना जाता हो, ऐसा कोई मशरूम है सर, ऐसे कोई मशरूम की प्रजाति है? अभी जो कॉमन मशरूम है, जैसे जितने भी मशरूम है सब में कमोबेश औषधीय गुण पाए जाते हैं। अब जैसे हमारे यहाँ बिहार एक इकलौता स्टेट है, राज्य है, जहां पर की 6 मशरूम की खेती शुरू कर दी गई है, जिसमें ओस्टर, बटन और मिल्की, इनकी कॉमर्शियल खेती, उनके बहुत बड़े बड़े फार्म लग गए हैं, जिससे कि बिहार एक देश में अपना एक मुकाम, मतलब एक नंबर वन पहुंचने के कगार पे है। मतलब अभी 2-3 स्टेट ही हैं जिनके एट पार है। तो दूसरा चीज है कि 3 मशरूम जो पैडिस्ट्रा मशरूम है, जबकि जानते साउथ में होता पैरा मशरूम, दूसरा है सिटाके मशरूम, हेरिसियम मशरूम। मशरूम मेडिसिनल बहुत सारे हैं, लेकिन जो हमारा जो सोच है, हमारे विश्वविद्यालय का सोच है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में जिसे बहुत आसानी से उगाया जा सके और उसकी मार्केटिंग की जाए, तो ये हमारे यहाँ सिटाके और हेरिसियम है। इसके अंतर्गत बहुत सारी बीमारियों से लड़ने की क्षमता है। अभी आपका चीन, जापान, मलेशिया, यही कंट्री है जो कि नंबर वन, जबकि आपको जान के ताजुब होगा कि जो सिटाके मशरूम है वो देश में बहुत, मतलब हिंदुस्तान को अगर छोड़ दिया जाए तो वर्ल्ड में इसका बहुत बड़ा स्थान है। तो हम लोगों ने यही इन दो, हेरिसियम और सिटाके पे हम लोग काम तेजी से चल रहा है। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि हमारे देश के जो मशरूम किसान है उन्हें खेती करते वक्त कई तरह की समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ता है, कई तरह की परेशानियां उनके सामने आती है खेती करते वक्त, तो सर उस समस्याओं को मतलब सुलझाने के लिए किसानों को क्या करना चाहिए, किस तरह से अपनी बेहतर खेती करनी चाहिए, या मतलब किसानों को किस तरह से आप मशरूम किसानों को गाइड करेंगे या फिर उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? देखें, मशरूम जो है अब इस पे पूरा हिंदुस्तान जागरूक है। हर प्रदेश में जो कृषि विश्वविद्यालय है उसमें एक केंद्र है, मशरूम का एक केंद्र है। तो अपने नजदीकी जो भी कृषि विज्ञान केंद्र है, सब विश्वविद्यालय है, किसान किसी भी समस्या से उनसे मतलब संपर्क कर सकते हैं। दूसरा, मशरूम निदेशालय सोलन जो हिमाचल प्रदेश में है, वो सिर्फ मशरूम पे ही उसका जो है कार्यक्रम चलता है, मशरूम को कैसे मतलब उत्पादन करें, किस तरह से, और उसका 22 सेंटर इन स्टेट्स में लगभग है। डॉक्टर बीपी शर्मा वहां के अभी निदेशक हैं और पूर्व से लेकर आज तक बहुत ही अच्छे, मतलब इस तरह से कहें कि
पूरे देश में अभी क्रांति सी आ गई है। दूसरा हमारा राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है, मैं यहाँ पर सुबह 7 बजे से 9 बजे बैठता हूँ मॉर्निंग में, किसानों की समस्या लाइव, जैसे उनकी जो समस्या है वो अपने घर पे हमें वीडियो फोटो भेजे, जो मैं वीडियो के माध्यम से उनकी समस्या का समाधान करता हूँ। और मशरूम में बहुत ज्यादा कोई समस्या नहीं है करने वाला, बस अच्छा हम लोग ट्रेनिंग भी देते हैं, अभी जैसे हमारी ट्रेनिंग हो रही है तो ऑनलाइन ट्रेनिंग अभी चल रही है, फिर ऑफलाइन ट्रेनिंग होती है। तो अगर अब पहले तो अपने यहाँ का देखें, दूसरी चीज अगर नहीं अपने यहाँ किसी भी स्टेट में, पूरे हिंदुस्तान में गाइड करता हूँ, लोग हमसे जुड़े हुए हैं। तो दूसरा है कि अगर मान लिया कि जिस स्टेट में है वहां नहीं साधन है, नहीं कुछ है, तो आप वो हमें जो है आप नंबर आपके माध्यम से वो हमको जुड़े, और जो हमसे जुड़े हुए हैं तो 7 बजे से 9 बजे 2 घंटे में बैठता हूँ ऑफिस में। हमारे पास वेल एस्टेब्लिश लैब है, हर फैसिलिटी हमारी यूनिवर्सिटी ने दे रखी है, क्योंकि पहला मैंडेट उनका है कि नहीं गरीब और गरीबी, इस पे हमें फोकस करना। जी सर, क्या आप कुछ ऑनलाइन ट्रेनिंग देते हैं या ऑफलाइन कुछ ट्रेनिंग आप फार्मर्स को देते हैं कि किसान आपसे जुड़ करके? जी, ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेनिंग हमारी दोनों होती है। ऑनलाइन का कॉन्सेप्ट ये हमारे कोरोना कोविड-19 जो लास्ट ईयर है उस समय से आ गया, तो हमने पिछले साल भी करीब 32 ट्रेनिंग के आसपास ऑनलाइन कराया था। अभी इस साल हम लोगों का चौथा ट्रेनिंग 28 जून से लेकर 30 जून को होगा, तो ये हम लोगों के अनवरत है। जैसे ही स्थिति ठीक चलेगी किसान को यहाँ आने, क्योंकि ऑनलाइन में एक फायदा है, वो दिल्ली का आदमी हमसे जब चाहे तब संपर्क कर सकता है, बट ऑफलाइन में अब वो प्रॉब्लम है, जो ऑफलाइन की फायदा था अब ऑनलाइन में वो दिक्कत है। अब लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए बहुत परेशान होते हैं, नहीं सर हमको ऑनलाइन करा दीजिए क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। तो ये बहुत ही फायदे का है, और हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में टोटल प्रैक्टिकल होता है, मतलब जो थ्योरी होती है वो 10 से 15 मिनट की टोटल प्रैक्टिकल होता है। यहाँ से हम सीधे लाइव टेलीकास्ट करते हैं, हमारे पास सब सिस्टम है, किसान सब देखते हैं, और फिर इसके बाद में नेक्स्ट डे वो अगर अपने घर करते हैं तो मैं यहाँ पर उसी लिंक से या दूसरी लिंक से उन्हें सपोर्ट करता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत अहम जानकारी आपने हमारे साथ शेयर की। मशरूम से पनीर और गुलाब जामुन कैसे बनाया जा सकता है, ये नई विधि जो आपने विकसित की है इसको भी हमारे साथ शेयर किया, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, और किसानों का आभार, धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।